सबरीमाला मंदिर की, क्योंकि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस में भी मतभेद सामने आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए आप। भगवान अयप्पा के मंदिर में महिलाओं को एंट्री के खिलाफ केरल में कांग्रेस के नेताओं ने उपवास किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता राज्य भर में उपवास पर बैठे। कांग्रेस की केरल इकाई का तर्क है कि मान्यताओं के सम्मान और श्रद्धालुओं की भावनाओं के समर्थन में उपवास किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि केरल की कांग्रेस यूनिट ने जो फैसला लिया है वो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। द केरला कांग्रेस यूनिट इज वेल विद इन इट्स राइट्स टू एक्सप्रेस द सेंटिमेंट्स एंड द सेंसिटिविटीज ऑफ द पीपल ऑन द ग्राउंड एंड डिमांड ए रिव्यू। अब खबर समझिए कि आखिर केरल में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध क्यों कर रही है। तो केरल में वोट बैंक के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। कांग्रेस जन भावना की बात कर धार्मिक भावनाओं को भुनाना चाहती है और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस मुख्य राजनीतिक ताकतें हैं। लेफ्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने जा रही है, ऐसे में संघ के बाद अब कांग्रेस भी विरोध कर रही है।